हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नाग पंचमी जो है कि सावन महीने में पड़ती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। तो इस बार जो 2020 में नाग पंचमी पड़ रही है, वो पड़ रही है 25 जुलाई दिन, पड़ रहा है शनिवार। तो इस दिन आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगी कि आज के दिन पूजा पाठ हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, इस पूजा पाठ में कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोई बड़ा कोई आयोजन करना है या कुछ करना है। बहुत सीमित लघु पूजा होती है नाग देवता ताकि, और अगर आपके घर में पहले से पूजा होती होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी, मतलब कैसी पूजा होती है। काफ़ी छोटी होती है, कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना पड़ता है। तो अगर इस पूजा में आप चाहें तो कलश भी रख सकते हैं। कलश रखने के बाद गौरी गणेश की भी स्थापना कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप सिर्फ नाग बाबा की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, नाग बाबा की पूजा जो है दो तरह से होती है। एक तो इस तरह से होती है कि आप अपने घरों में जो साफ शुद्ध मिट्टी, जिस प्रकार आप शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, मेरी एक वीडियो में मैंने दिया भी था कि घर पर शिवलिंग किस प्रकार बनाए, तो ठीक उसी तरह से आपको मिट्टी तैयार करनी है। साफ शुद्ध मिट्टी लें और उसमें गाय का घी मिला दें। गाय का घी मिट्टी में इसलिए मिलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी भी चिकनी हो जाती है, और जब उसके ऊपर से हम अभिषेक करते हैं तो मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग या नाग नागिन का जोड़ा टूटता नहीं है जल या दूध गिराने के बाद। तो बस इसलिए उसमें गाय का घी मिलाया जाता है। तो आप भी जब नाग नागिन के जोड़े को बनाएं तो उसमें गाय का घी मिलाना न भूलें। तो इस तरह से भी करके पूजा किया जाता है। और एक पूजा होती है दोस्तों कि पलाश के पत्ते पे धान की जो लाई होती है, यानी धान को भुनने के बाद उसमें से सफ़ेद लाई निकलती है, तो वो होता है, और गाय का कच्चा दूध होता है, इनको मिलाकर के नाग बाबा को पलाश के पत्ते पे भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, दोनों तरीके से मैं बताऊंगी कि जैसे आपके परिवार में, आपके घर में होता है, आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। और आगे ये भी जानेंगे आप कि देखिए, हर परिवार में नाग बाबा की पूजा होना, नाग देवता की पूजा होना क्यों आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो धर्म है उसमें समय समय पर देखिए हर चीज़ की पूजा होनी आवश्यक है। यानी देखिए, हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, देवता की भी पूजा करते हैं, ग्रहों की भी पूजा करते हैं, और अब इसी में नाग देवता की भी बारी आती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नाग देवता कितने सर्वोच्च हैं, क्योंकि उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया है। तो इसलिए हमारे धर्म में इनकी पूजा के लिए भी एक विशेष दिन है, जिसको कि हम नाग पंचमी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समय जान लीजिए आप कि समय किस समय पर हमको नाग बाबा की पूजा करनी है। तो सुबह के समय ना, जो शुभ मुहूर्त है वो मैं बता रही हूँ आपको कि कब आप पूजा करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो 5:43 से 8:25 तक आप पूजा करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा और शुभ मुहूर्त है। तो अब देखिए दोस्तों कि पूजा के दिन हमें सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले सुबह आपको जगना है। देखिए, कोई पूजा हो, व्रत हो, उसमें आप बहुत देर तक सोते हैं तो फिर वो पूजा या व्रत आपका उतना प्रभावशाली नहीं रह जाता है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, आप सबसे पहले उठ जाइए और घर की पूरी साफ़ सफाई कर लीजिए। घर की साफ़ सफाई इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन हम घर पर ही नाग देवता की पूजा करते हैं। तो आज के दिन आप घर की पूरी साफ़ सफाई कर लें, और उसके बाद आप क्या करें कि देखिए, कोई अच्छी मिट्टी, मतलब जिसमें कोई कंकड़ पत्थर या वो अशुद्ध मिट्टी ना हो, तो वो लीजिए, गाय का घी उसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप उस मिट्टी से नाग नागिन का जोड़ा तैयार कीजिए। जोड़े में आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है कि आप बहुत सुंदर तरीके से ही नाग नागिन का को बना पाएं। आप जैसे भी, जैसे आपको आ रहा है उस तरह से नाग नागिन का एक चित्र अंकित कर दीजिए, एक छोटा सा, मतलब नाग और नागिन उस मिट्टी से बना लीजिए। और बनाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इनकी पूजा करनी है। तो दोस्तों, इनकी पूजा किस प्रकार करनी है आपको, कि सबसे पहले तो आपको जल से इनको नहलाना है, उसके बाद गाय का कच्चा दूध मिले तो उससे उन्हें नहला दें, उसके बाद रोली, अच्छत, ये चीज़ें चढ़ाइए, फूल मिले तो ये भी चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद आपको करना है कि इन्हें गाय का कच्चा दूध, नाग नागिन को भोग लगाना है। और देखिए, अगर आपके परिवार में कुछ जगहों पे नाग नागिन को पलाश के पत्ते पे
धान की जो लावा होता है, लाई जिसको बोलते हैं, वो लाई होती है और दूध होता है, तो इस चीज़ का भोग लाए। तो भोग आप अपने परिवार में देख लीजिए कि किस प्रकार से होता है, और नहीं होता है तो भी आप नाग देवता की पूजा आज के दिन ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छा और मतलब एक उचित अवसर होता है कि ऐसे में आप अपने ग्रहों, जो काल्प सर्प दोष है या फिर जो आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब स्थिति में है, तो आज के दिन मात्र पूजा करने से ये सारी परेशानियां आपकी समाप्त होती है। हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रही थी कि तो इस तरह से आपको भोग लगाना है, और सुगंधित अगर इत्र हो आपके पास तो वो लगाइए ज़रूर, और दिया जलाइए घी का, और अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती। देखिए अगरबत्ती जलाना तो आप लोग पूछते हैं कि क्यों अच्छा नहीं है, तो दोस्तों उसमें बांस होता है, बांस की छोटी छोटी पतली पतली जो सीख होती है वो लगी होती है, और हमारे धर्म में बांस को जलाने यानी वंश को बर्बाद करने के समान माना जाता है, तो बस इसीलिए अगरबत्ती जलाने से मना किया जाता है। तो दोस्तों धूप बत्ती जलाइए, जलाने के बाद आप जो है प्रणाम कीजिए नाग देवता को, और उनसे कहिए कि हमारे घर की, परिवार की, हमारे समाज, जो भी हमारे आसपास है, उस सबकी रक्षा कीजिए नाग देवता, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो इस तरह से करके दोस्तों आपकी पूजा हो जा रही है। अब आप अगर मिट्टी के नाग देवता को लाए हैं तो आप उनका विसर्जन कब करें? दोस्तों सुबह तो आपने पूजा कर ली, जैसे 5:43 और से 8:25 तक अगर इस समय में अगर आपने पूजा कर लिया, तो शाम को आपको दिन रहते हुए यानी सूर्यास्त न हो उससे पहले आपको इनको नाग देवता और नागिन दोनों लोगों के जोड़े को उठा करके किसी थाली वगैरह में रख लें और किसी बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित करें। दोस्तों मात्र ये उपाय करने से ही आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। और अगर देखिए बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं कि उन्हें अक्सर जो है वह सपने में सांप दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों राहु की अवस्था सही नहीं होती, राहु की कुदृष्टि होती है आपके ऊपर, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं। तो अगर आप बहते हुए जल में नाग नागिन के जोड़े को विसर्जित करते हैं तो उससे आपके राहु ग्रह जो है वह जो नुकसान दे रहे हैं वो समाप्त हो जाता है, और काल्प सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आपको प्रायः उपाय बता दिया जाता है कि बहते हुए जल में चांदी के नाग नागिन को आप विसर्जित कीजिए। तो देखिए चांदी का हर कोई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो सबसे अच्छा जो समय है वो आज का दिन यानी नागपंचमी का दिन है। आज के दिन आप चाहें तो चांदी के जगह पर जिस तरह से मैंने बताया कि मिट्टी के नाग नागिन को बनाएं और इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करने से ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। और अगली बात यह है कि नाग देवता की पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें क्यों नाग पंचमी मनाना चाहिए? तो दोस्तों देखिए नाग पंचमी यानी नागों की पूजा तो बहुत पहले से ही होती चली आ रही है, और वो किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा भी करते हैं। तो अगर आज के दिन हम इन्हें मना लेते हैं तो इससे हमारे परिवार की रक्षा होती है, और नाग देवता की पूजा करने से हमारे संतान जो है वो दीर्घायु होते हैं, हमारा सौभाग्य बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है, तो इसलिए हमें नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए पूजा पाठ तो आपको जरूर करना चाहिए नाग पंचमी के दिन, अगर हो सके तो आप शिवजी के मंदिर भी जाएं, वहां पे भी नाग देवता को भोग लगाएं, पूजा करें, और भगवान भोलेनाथ का भी दूध से जल से अभिषेक करें, जितना हो सके आप पूजा पाठ करें। और देखिए नाग पंचमी के दिन कभी भी जमीन की खुदाई नहीं की जाती है, आज के दिन जमीन की खुदाई करना मना होता है, आज के दिन नहीं करना चाहिए। अब आज के दिन दोस्तों अगर आपको कोई सांप दिखाई देता है घर में, बाहर कहीं भी, तो देखिए मारना आज के दिन मना होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज के दिन जो है नागों की पूजा होती है, तो आज के दिन उन्हें कष्ट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ें मना होती हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी कुंडली में जो है राहु की महादशा बहुत सालों से चल रही है और आगे तक चलने वाली है, तो आज के दिन अगर आपको कोई सफेरा मिले तो किसी सर्प को आप उनसे मूल्य दे करके ले लें, और आप उन्हें उनसे ही बोलें, क्योंकि सामान्य आदमी को सांप को छूने में थोड़ा सा डर लगता है, तो आप उनसे ही बोलें कि आप पैसे ले लीजिए और इस सांप को छोड़ दीजिए, इसको आज़ाद कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग इस दोष से पीड़ित हैं, बहुत सारे सारे लोग परेशान भी रहते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि इस सांप को छोड़ दीजिए, तो इससे भी आपकी महादशा में आपको आराम मिलता है।
तो दोस्तों ऐसा भी कर्ज नहीं करने में यही है कि आपको ज़मीन की खुदाई नहीं करनी है और किसी सांप को आज के दिन नुकसान नहीं पहुंचाना है, कैद नहीं करना है, परेशान मतलब सांपों से छेड़छाड़ हमें नहीं करने चाहिए आज के दिन। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि हम आज के दिन इनकी पूजा करते हैं। और दोस्तों आपने जाना कि विसर्जन किस प्रकार किया जाता है। और दोस्तों आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ नाग नागिन की अगर आप मूर्ति फोटो कुछ नहीं बना सकते हैं तो तब आप पूजा कैसे करें? तो देखिए आप पलाश के पत्ते ले आएँ। अगर आपको पलाश के पत्ते देखिए हर जगह नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि जो लोग बड़ी सिटी में रहते हैं उन्हें नहीं मिल पाते हैं, तो आप दुकानों पे जाएंगे तो पलाश के पत्ते आपको जो किराना स्टोर होते हैं वो लोग पलाश के पत्ते रखे रहते हैं, तो आप उनसे ले आइए। और 9 जगह पे इन पलाश के पत्तों पे भोग लगाया जाता है, लावा जो होता है धान का और कच्चे दूध को, और उसमें अगरबत्ती उस अगरबत्ती और धूप बत्ती जो भी आप जलाते हैं वो जलाइए और पानी रखिए। पानी क्योंकि देखिए किसी को खाना देने के बाद हम पानी भी ज़रूर देते हैं, तो पानी भी वहाँ रखिए और पानी से एक घेरा बना दीजिए, यानी जैसे हाथों में पानी को लेते हुए घुमा दीजिए, जो आपने भोग रखा है थोड़ा सा पानी हाथों में लेकर के घुमा दीजिए और आंखें बंद करके नाग बाबा का आह्वान कीजिए, उन्हें बोलिए कि आप आइए हमारे घर और हमने जो पूजा किया उसे स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से भी करके दोस्तों आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। तो देखिए ये पूजा काफ़ी छोटी है, अगर आप चाहें तो नाग बाबा की मूर्ति बना करके भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप सिर्फ पलाश के पत्तों पे दूध और लाई मिला करके भी भोग लगा के धूप बत्ती जला करके और नाग बाबा को अपने मन में ही आह्वान करके इनकी पूजा कर देते हैं। अब देखिए अब जो बचा हुआ दूध या लावा जिनको आपने भगवान को भोग लगाया, नाग देवता को भोग लगाया, अब उसे आपको पूरे घर में छिड़कना है। दोस्तों ऐसा करने से ये होता है कि नाग देवता से हमारी रक्षा होती है और हमारे परिवार में जो है सुख शांति बनी रहती है। तो आपको दूध ये पूरा घर में छिड़कना है, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं छिड़कना है कि हमारे पैरों के नीचे आए, थोड़ा थोड़ा बस छिड़कना है कि घर के शुद्धिकरण उससे हो जाता है। दोस्तों ये पुरानी परंपरा है, ऐसा आपको पूजा के बाद ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों अब आपने जाना कि नाग बाबा की पूजा किस प्रकार किया जाता है, विसर्जन किस तरह करते हैं, और अगर स्वप्न में नाग दिखाई देते हैं तो मात्र एक छोटा सा यही उपाय करके आप अपनी उन उपायों इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।